अगर इस वीडियो ने तेरे अंदर का जुनून नहीं जगाया ना, तो साले को वहीं डिसलाइक करके छोड़ दियो। लेकिन अगर जुनून जगा दिया तो लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना। 400 करोड़ की कंपनी, न केवल अपना बिजनेस चलाना बल्कि इंडिया में नया डिजिटल रिवॉल्यूशन लाने वाला बंदा, जिसने स्टार्टिंग में बिजनेस से पैसा कमाने के बजाय पैसा बांटकर अपना एडवर्टाइजमेंट किया। ऐसा तो कोई सन के बंदा ही कर सकता है ना यार। बुरी तरह कर्जों में डूबकर भी पैसा लोन से लेकर फिर इन्वेस्ट कर दिया। आज दुनिया उस बिजनेस को पेटीएम के नाम से जानती है। क्यों? क्योंकि जिद थी। हम जैसे लोगों की तो पैसा इन्वेस्ट करने में ही फटती है। इसके अंदर का जुनून ही तो था जो अपनी जिंदगी के 3 साल सूखी रोटी और नमक के साथ बिताए। 2 बार बिजनेस में सारा पैसा लगाने के बाद बिजनेस गंदी तरह फ्लॉप, और इतना ही नहीं, करीब 300 से ज्यादा बार फेल होने के बाद भी उस बंदे ने एक चूहे को बिस्कुट खाता देखकर मिक्की माउस बना डाला। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि वॉल्ट डिज्नी था। $90 मिलियन की कंपनी अपनी जिद पालकर खड़ी कर डाली, जिसकी एनिमेशन और सुपर हीरोज की मूवी आए दिन अपने नए नए रिकॉर्ड्स बनाती है। साला पागल जिद्दी था ना, जो 300 से ज्यादा बार फेलियर झेल गया। वरना हम लोगों में से कोई 3-4 बार फेल होता है तो हम उसे इम्पॉसिबल मानकर वहीं छोड़ देते हैं। भूल जाते हैं हम लोग सक्सेस हमारे यही तो इम्तिहान लेती है। वैसे अपने इंडिया में स्पोर्ट्स के प्लेयर एक बार मेडल या ट्रॉफी क्या ले आता है, इतने रिलैक्स हो जाते हैं जैसे 3-4 साल तक अब कोई मेडल या ट्रॉफी के लिए मेहनत ही नहीं करनी। कोई ऐसा प्लेयर ही नहीं था अब तक जो लगातार जीतता हुआ आया हो। लेकिन एक 19 साल की लड़की 3 हफ्तों में यूरोपियन गेम्स में हैट्रिक नहीं बल्कि 5 मेडल, जो सिल्वर या ब्रॉन्ज नहीं बल्कि गोल्ड मेडल लाने वाली। एशियन गेम्स में भी इतिहास में पहली बार इंडिया की तरफ से गोल्ड मेडल लाने वाली हिमा दास, जिसने सही मायने में स्पोर्ट्स में इंडिया का नाम रोशन किया। ऐसा तो सक्सेस के असली भूखे लोग ही कर सकते हैं ना यार, जिनको जीतने या सीखने की आदत हो। वरना आम इंसान तो मेडल से उछलने लगता है, लेकिन इस लड़की में जुनून था। यही हिमा दास अपने स्ट्रगल पीरियड में अपने जूतों पर पेन से एडिडास लिखती थी। आज उसके एडिडास के जूते पर हिमा दास के नाम का टैग लगा हुआ है। हर दिन फेल होने के बाद भी ना हारने वाला कर्नल हरलैंड ने 45 की उम्र में KFC की कंपनी खड़ी कर डाली। ये उसकी जिद जुनून नहीं तो और क्या था, जो 45 की उम्र में भी $20 मिलियन की कंपनी खड़ी कर डाली। वरना आम इंसान तो 45 की उम्र में पेंशन की लाइन में लग जाता है। शायद इसीलिए इतिहास उनका बनता है जो बदतमीज होते हैं। ये बदतमीजी ही तो थी उसकी, जिसकी माँ चिप्स के पैकेटों की पैकिंग करती थी और वो पूरा दिन खेलता रहता था। लेकिन ऐसा लोगों का नजरिया था, उसके लिए तो वो क्रिकेट की प्रैक्टिस होती थी। ये वही बदतमीज इंसान है जिसने सबसे पहले T20 सेंचुरी, सबसे ज्यादा सिक्स, सबसे पहले डबल सेंचुरी, सबसे लंबे सिक्स जैसे रिकॉर्ड्स अपने नाम करने वाला, जिसे आज दुनिया क्रिस गेल के नाम से जानती है। अगर लोगों की बातों से हारकर वो भी अपनी माँ के साथ चिप्स के पैकेटों की पैकिंग करने में लगा रहता, तो इस गेल को बॉस ऑफ यूनिवर्स के नाम का खिताब कैसे मिलता। ये उसकी बदतमीजी तो थी जो लोगों को बदतमीजी शब्द की एक अच्छाई बता गई। जिस काम को सब करते हैं तो उस काम को तुम भी कर सकते हो, और जिस काम को कोई नहीं कर सकता तुम उस काम को जरूर करो। ये जापान का सक्सेस होने का एक सबसे फेमस फॉर्मूला है। और जाते जाते बस एक ही बात बोलूँगा, जो भी करना है, जो भी बड़े करने की तुमने सोची है, मेरा यकीन मानो कितनी भी बुरी सिचुएशंस आ जाए, तुम कितने भी बदकिस्मत हो, फिर भी तुम कर सकते हो। क्योंकि कोई भी समस्या इंसान की क्षमताओं से बढ़कर नहीं होती, बस फर्क इतना है कुछ लोग बीच में रास्ता छोड़ देते हैं और कुछ लोग छाप छोड़ देते हैं। मेरे भी सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है, व्यूज़ भी कम आते हैं, लेकिन फिर भी लगा रहता हूँ। तो मुझे देखकर आप भी मेरे साथी बन जाओ यार। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आप देख सको, और वीडियोस हर इंडियन को शेयर जरूर करो ताकि अब सक्सेस इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व में तिरंगा फैलाना।